जितने भी शातिर क्यों ना, उन्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या सर, बहुत हैप्पी लग रहे हो? एक्सीएम का केस सॉल्व कर दिया क्या? ऑलमोस्ट। आपको ये तो नहीं लग रहा है उनका मर्डर हुआ है? ऑफ कोर्स। सर, आप जो केस डील कर रहे हैं वो आपको थोड़ा डेंजर नहीं लग रहा? रविंद्र, क्लियर बोलो, मुझे गोलमोल बातें पसंद नहीं। एक्सीएम के डेथ केस में हाई लेवल के बड़े अधिकारी इन्वॉल्व है ऐसा मुझे लग रहा है सर। अगर उनके बारे में आप पता करेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है सर। मेरी राय पूछो तो कॉन्ट्रोवर्सी के बिना ये केस खत्म कर दीजिए। हम ड्यूटी किस लिए करते हैं? जिंदगी जीने के लिए ना, फिर मौत को घर का रास्ता क्यों दिखा रहे हैं? कॉफी ठंडी हो रही रविंद्र, पी लो इसे। थैंक यू सर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम अपने जूनियर्स के लिए क्या एग्जांपल सेट कर रहे हो? मौत से डर लगता है तुम्हें? अगर तुम्हें चूड़ियां ही पहननी है तो जाकर कोई और जॉब कर लो। ब्लडी फूल, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आपने ही कलीग को सबके सामने पीट रहे हो। तुम कोई सीबीआई ऑफिसर हो या रास्ते के गुंडे हो? सीबीआई का क्या मतलब होता है ये तुम्हें पता भी है या नहीं? मैं आपको किताबी मतलब समझाऊं या वो मतलब समझाऊं जो ये जानता नहीं? व्हाट डू यू मीन? आई मीन सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो वीआईपी की सेवा करने के लिए नहीं होता। लेकिन आप शायद ये मीनिंग भूल चुके हैं। सी मतलब कमिटमेंट फॉर ड्यूटी, बी मतलब बाउंड फॉर ट्रूथ, आई मतलब इंटेग्रिटी फॉर द नेशन। ये मीनिंग ड्यूटी के लिए मरने वालों को पता है और इसी को वो फॉलो करते हैं। यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स, यू आर टॉकिंग टू योर सुपीरियर। आई नो विद हुम आई एम टॉकिंग टू। मुझे पता है मैं किससे बात कर रहा हूँ और मुझे पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक वक्त था कि सोसाइटी को क्लीन करने के लिए सीबीआई बना था और अभी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने के लिए रह गई है सीबीआई। मैंने हाथ बढ़ाकर तुझसे सेकंड क्या कर लिया? मुझे क्या लगता है तेरी हर बात मुझे सही लगेगी? पटक पटक कर मारूंगा, याद रखना। फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे साथ काम करने वालों में पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। जरा सी भी गड़बड़ में बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो कोई मेरे से छोटा ऑफिसर हो या मुझसे बड़ा ऑफिसर हो, किसी को नहीं बख्शूंगा। सबका इंसाफ मैं ही करूंगा। I'm sorry सर, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आप ये केस किसी सच्चे ऑफिसर को दोगे तो आपकी पार्टी वालों को और विरोधी पार्टी वालों को आप पर कभी शक नहीं होगा, यही सोचा था मैंने। और जैसा कि आपका प्लान था, इस केस को बोस को दिया गया था, लेकिन उसने आपसे ही दो कदम आगे सोचते हुए इस केस को फिनिशिंग स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया। और इसमें आपका हाथ है ये जानने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा सर। उसे रोकना अब हमारे बस का नहीं है। यू हैव टू डील विद हिम। उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या है? वही तो पता करने की कोशिश की थी सर। हमारे सीबीआई ऑफिसर्स ने सेंट्रल कमांड कंप्यूटर सर्वर में हमारे दिमाग को चकराने वाला एक फायरवॉल सिस्टम क्रिएट किया था सर। फायरवॉल सिस्टम, वो क्या है? राजेश, गुड मॉर्निंग सर। इंडिया वाइड सीबीआई सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन करने वाली टीम के ये दोनों स्पेशलिस्ट हैं सर। क्या है ये न्यूसेंस? हम जिसे न्यूसेंस समझते हैं उसने उसे नया सेंस बना दिया है सर। तुम डिटेल्स बताओ, बोस की तारीफ मत करो। सॉरी सर। इंडिया में सीबीआई की 6 जोनल हेडक्वार्टर्स हैं। ये हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर और हैदराबाद। ये सब जोनल हेडक्वार्टर्स सबको मिलाते हुए हमने एक सेंट्रल नेटवर्किंग सिस्टम क्रिएट किया है। इसके जरिए किसी भी एक ब्रांच का फाइल दूसरे ब्रांच वाले कहीं भी और कभी भी देख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की फाइल आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हैं। लेकिन बोस का क्रिएट किया हुआ फाइल कोई एक्टिवेट नहीं कर सकता है। उसके अंदर क्या है पता नहीं कर सकते हैं। बोस के अलावा कोई भी इसे ओपन नहीं कर सकता है। आसान शब्दों में बताऊं तो इस इन्वेस्टिगेशन फाइल के चारों तरफ उसने एक रक्षक दीवार बनाकर उसके बीच में एक किला बना दिया है। ये टोटल सिक्योरिटी प्रोसेस को ही पर्सनल फायरवॉल सिस्टम बोलते हैं सर। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हमारे जैसे हैकर्स इस फाइल को जबरदस्ती एक्सेस करने की कोशिश करें या टेम्पर या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें तो ये चीज हम पर ही भारी पड़ सकती है। इस बीच उसे कोई मार डाले या डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाए या फिर उसे किडनैप ही कर लिया जाए तो बात बन सकती है। कैसे? डिपार्टमेंट रूल्स के हिसाब से सीबीआई वाले अगर सेंट्रल डेटाबेस में अपना स्टेटस अपडेट करते हैं, जैसे बोस इज डेड, सस्पेंड हुआ है, मिसिंग हुआ, टर्मिनेट हुआ या कोई और रीजन से गायब हुआ, तो ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल हो जाएगी और तुरंत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, सेंट्रल होम मिनिस्टर को, गवर्नर को, मीडिया को ये सिर्फ एक सेकंड में पहुंच जाएगी। बोस अकेले ही इस केस को कंप्लीट करके फाइनल रिपोर्ट दे सकता है सर। राजेश, यू मे गो नाउ। ओके सर।
ये उसने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसे खुद अभिमन्यु भी नहीं भेज सकता है सर। समझ नहीं आ रहा क्या होगा। उसने जिस चक्रव्यूह को मेरे लिए रचा है मैं उसी में उसे अभिमन्यु बना दूंगा। आओ बेटा। अरे वाह, करेक्ट टाइम पे आए हो। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, निकलना है। इतनी क्या हड़बड़ी है माँ, वैसे कहाँ जा रही हैं? मैं अकेली नहीं जा रही, सब साथ में जाएंगे। अपनी नंदिनी की शादी हो जाए तो मैं मंदिर में जाऊंगी, ऐसी मैंने मन्नत मांगी थी जो आज पूरी हो गई है। मुझे ऑफिस में अर्जेंट काम है माँ, मैं नहीं आ पाऊंगा, आप लोग जाइए। मैं कहूंगी तो भी आप नहीं आओगे क्या? वो बहुत हो गया बहाना, चलो तैयार हो जाओ। Thank you.